राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। शाम 4 बजे तक मतदान होना है। आपको बता दें कि राजस्थान में 3 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों की जीत जो है वो लगभग तय है। भाजपा के एक प्रत्याशी की जीत इसके साथ में तय है। बसपा विधायक भी कांग्रेस के ही माने जाएंगे। चुनाव आयोग बसपा विधायकों को लेकर बीजेपी ने विरोध व्यक्त किया था। कांग्रेस के पास में 125 वोटों का गणित है, जबकि जीत के लिए 102 वोट ही चाहिए। तो वहीं बीजेपी के पास में 72 वोट है और 3 वोट रालोपा के हैं। बीजेपी के पास है 75 वोट। एक सीट पर जीत के लिए 51 वोट उन्हें चाहिए और बीजेपी की पहली प्राथमिकता जो है वो राजेंद्र गहलोत है। ओंकार सिंह लखावत दूसरे प्रत्याशी बीजेपी के। ऐसे में कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों में सेंध लगाना मुश्किल। कांग्रेस में केसी वेणुगोपाल, नीरज डांगी की जीत पूरी तरीके से तय है। बीजेपी के राजेंद्र सिंह गहलोत की जीत भी तय है और आज शाम 5 बजे के बाद में मतगणना शुरू हो जाएगी। और विधानसभा में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए मतदान जारी है। कांग्रेस के दोनों विधायकों की यहां पर जीत लगभग तय है। दोनों प्रत्याशियों की जीत लगभग तय बताई जा रही है। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी दोनों के समर्थन में फिलहाल पूरा माहौल निष्पक्ष तौर पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा राज्यसभा चुनावों के लिए मतदान लगातार जारी है। राजस्थान में कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों की जीत तय है। सीएम अशोक गहलोत ने अपना वोट यहां पर कास्ट किया। इसके साथ में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी अपने प्रत्याशी के लिए वोट कास्ट किया। राजस्थान में 3 सीटों के लिए मतदान हो रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों की जीत लगभग तय है। भाजपा के एक प्रत्याशी की जीत भी तय है और बसपा विधायक भी कांग्रेस के ही माने जाएंगे। चुनाव आयोग के द्वारा ये साफ कर दिया गया। बसपा विधायकों को लेकर बीजेपी ने अपना रोष प्रकट किया। कांग्रेस के पास में 125 वोटों का गणित है, जबकि जीत के लिए उन्हें 102 वोट चाहिए। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार नीरज मेहरा जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज जी, 125 लक्ष्य बताया जा रहा था, लेकिन 125 वोटों का यहां पर संख्या बल कांग्रेस के पास है। 102 जीत के लिए चाहिए। साफ तौर पर, निष्पक्ष तौर पर दोनों प्रत्याशी जो है कांग्रेस के वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जयती, बिल्कुल बता दूं, राज्यसभा चुनाव की तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र गहलोत की भी जीत तय मानी जा रही है जी। क्योंकि जो वोटों का गणित है वो कांग्रेस के पक्ष में है पहले दिन से ही, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा उम्मीदवार खड़ा किया था उसके बाद से इस बात के आरोप भी लगे कि कहीं कहीं हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, और उसके चलते विधायकों की बाड़ेबंदी भी की गई और कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं चाहेगी कि उसके विधायक टूटे। इसीलिए तमाम तरह की बातें इस चुनाव में आई जी। और अब जो मतदान हुआ है, मतदान के बाद, मतदान से एक दिन पूर्व जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही उम्मीदवार है जी। तो इसके बाद जब आज सुबह ओंकार सिंह लखावत राज्यसभा उम्मीदवार जो उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने भी आकर विधानसभा में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पहली वरीयता के उम्मीदवार जो है राजेंद्र गहलोत ही है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और जो आरएलपी के विधायक है वो भी राजेंद्र गहलोत को ही वोट दें। तो इससे साफ है कि जो लड़ाई है सीधी इन तीनों के बीच में है। कांग्रेस के पास में पर्याप्त बहुमत है और इसलिए उनकी जीत तय है। लगभग वोट भी 160-165 के लगभग गिर चुके हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो वोट है शेष बचे हैं वो भी आ जाएंगे। वाजिद अली जो ऑस्ट्रेलिया में थे विधायक, वो भी आ गए हैं, उन्होंने भी वोट कास्ट कर दिया है जी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वोट कास्ट कर चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वोट कास्ट कर चुकी है। तो तमाम जो नेता है वो वोट कास्ट कर चुके हैं और दोनों ही तरफ इस बात को लेकर उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी नीरज डांगी और केसी वेणुगोपाल की जीत तय है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में राजेंद्र गहलोत की जीत तय है। ओंकार सिंह लखावत इस पूरी दौड़ से अलग हो चुके हैं और जैसा कि उन्हें दिख रहा था, क्योंकि जिस तरह की सेंधमारी की उम्मीद उन्हें लग रही थी कि कर लेंगे, जोड़ तोड़ कर लेंगे, लेकिन वो जोड़ तोड़ हुई नहीं। और यही कारण है कि जो उन्होंने उससे पहले ही आज सवेरे ही हथियार डाल दिए। तो ये साफ है जेती कि राजस्थान की 3 राज्यसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक उम्मीदवार और कांग्रेस पार्टी के दोनों उम्मीदवार जीत कर जाने वाले हैं। और शाम 5 बजे वोटों की काउंटिंग होगी, आधिकारिक रूप से घोषणा भी विधानसभा में की जाएगी। जी जी नीरज जी, तो ये साफ तौर पर जाहिर हो चुका है कि भाजपा ने जो अपना दूसरा कैंडिडेट उतारा था वो एक डमी कैंडिडेट था, और जिस तरीके से जो अब अगला प्रत्याशी, उनके जो फर्स्ट प्रत्याशी थे, उनकी जीत लगभग तय है। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।
देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।